तो ये IBS मॉडल है। ओके वो बेसिकली IBS मॉडल होता क्या है। IBS मॉडल IO बफर इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकेशन इज ए फास्ट एंड एक्यूरेट बिहेवियरल मेथड ऑफ मॉडलिंग इनपुट आउटपुट बफर बेस्ड VI कर्व। IBS मॉडल IC मैन्युफैक्चरर जो होता है वो सिमुलेशन करने के लिए एक मॉडल क्रिएट करता है जिसको हम सिग्नल इंटीग्रिटी में यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं IBS मॉडल। और ये एक कंपोनेंट का जितने भी बिहेवियरल चीज़ें होती हैं वो उसको टूल में हम देख सकते हैं। तो उसका जो भी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी चीज़ें हैं, हम वो मॉडल के थ्रू देख सकते हैं। IBS कैन बी यूज बाई ऑलमोस्ट एनी सिमुलेटर EDA टूल इन द इंडस्ट्री। IBS मॉडल को किसी भी EDA टूल में यूज कर सकते हैं। अब IBS मॉडल में होता क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ें रहती है। IBS मॉडल के अंदर IBS मॉडल बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर IC के लिए। जो IC हम अपने हार्डवेयर डिजाइनिंग में यूज करने जा रहे हैं उसके लिए वो हमको सिमुलेट करना पड़ता है, उसका सिग्नल इंटीग्रिटी परफॉर्मेंस देखना पड़ता है। उसके लिए उस IC का IBS मॉडल बनता है। IBS मॉडल के अंदर क्या होता है, तो IBS मॉडल के अंदर कंपोनेंट रहते हैं बहुत सारे, एक पार्ट नंबर के बहुत सारे वेरिएशन रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे वेरिएशन हैं। ये DDR3 का IBS मॉडल है, मिक्रान कंपनी का है, और इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन है इसके एक पार्ट नंबर के अंदर ही। अब इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर IC के जो पिन्स होते हैं, इनपुट पिन, आउटपुट पिन, ग्राउंड पिन, इनपुट आउटपुट पिन, ADC का पिन हो गया, अगर DDR का पिन है तो डेटा पिन हो गया, एड्रेस पिन हो गया, मास्क पिन हो गया, डेटा एड्रेस पिन हो गया, बहुत सारे पिन होते हैं, मास्क, स्ट्रॉप। अगर प्रोसेसर का है तो प्रोसेसर के हिसाब से उसमें बहुत सारे पिन रहेंगे। कुछ और IC है तो कुछ, मतलब सबके अलग अलग पिन रहते हैं। उन पिन के अलग अलग मॉडल होते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एक हमारा कंपोनेंट है MT41K1G4RH। इस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर पिन है ये A1 A2 A3 ऐसे करके लिखे रहते हैं। बट आप जब डेटा शीट में देखोगे, डाटा शीट में, तो ये पिन पावर पिन, ग्राउंड पिन, इनपुट डेटा के पिन, पावर अगेन, क्लॉक, तो ऐसे ऐसे पिन रहते हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ पे मॉडल नेम लिखा रहता है। तो मॉडल नेम एक ग्राउंड, ये VSS के लिए ग्राउंड है, मतलब ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड को कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया रहेगा। आप देखोगे तो ग्राउंड को कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया जाता है, तो ग्राउंड का भी एक पैड मॉडल रहेगा। वैसे ही पावर का भी कुछ पैड मॉडल रहेगा। तो आप जब IBS मॉडल के अंदर जाते हो तो देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइन की गई रहती है। अभी मैं एक पैड मॉडल का उदाहरण लेता हूँ। ये है पैड मॉडल DQ341066, DQ341066। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं कि ये VIN-L कितना है, VIN-H कितना है, VMINS कितना है, VREF कितना है, CREF कितना है, RREF कितना है। तो ये चीज़ें आपको एक बार में समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप अगर मुझे कमेंट में कुछ लिख के पूछेंगे तो मैं इसका आंसर दूंगा। अभी हम बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं, देखते हैं। तो एक पिन पैड मॉडल के अंदर बहुत सारे पिन मॉडल होते हैं। आपको कौन सा यूज करना है ये आपके डिज़ाइन के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा पैड मॉडल यूज करोगे। अभी आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि आपका जो मॉडल यूज करना है, आपको 1066 का यूज करना है, मतलब आप जो DDR3 यूज कर रहे हो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है,
किस फ्रीक्वेंसी का DDR आपने सेलेक्ट किया है, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेंगी, डाटा सेट से। तो डेटा सेट से यूज आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ से आप पैड मॉडल देख सकते हो। अब पैड मॉडल के अंदर आपको कौन सा पैड मॉडल लेना है, कितना ODT ऑन डाई टर्मिनेशन चाहिए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको, आप IBS मॉडल ओपन करोगे तो यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, तो एक IBS मॉडल के अंदर ये इनपुट आउटपुट पिन ये सारी चीज़ें, IBS मॉडल लुक दिखता कैसे है, तो IBS मॉडल ऐसा दिखता है, इसका ये सिंबल रहता है IBS मॉडल का। एप्लीकेशन क्या है IBS मॉडल का, एप्लीकेशन है IBS मॉडल का कि इसको सिग्नल इंटीग्रिटी में यूज़ किया जाता है, क्या क्या एनालिसिस करने के लिए, ओवरशूट, अंडरशूट, क्रॉसस्टॉक, रिंगिंग, इंपीडेंस मिसमैच, रिफ्लेक्शन, टर्मिनेशन इश्यूज, एनालिसिस ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजी अमंग देयर थिंग्स। डिफरेंट टोपोलॉजी का मतलब है कि आपने ट्रांसमीटर से रिसीवर के साइड में कोई ट्रैक रूट किया है आपका PCB डिजाइनर ने, तो वो टोपोलॉजी कौन सा टोपोलॉजी यूज किया है, मतलब आपने टोपोलॉजी तो पढ़ा ही होगा, स्टार टोपोलॉजी, फ्लाईबैक टोपोलॉजी, तो उसके अलावा भी बहुत सारे टोपोलॉजी होते हैं, तो उसने कौन सा टोपोलॉजी फॉलो किया है। तो बेसिकली हम IBS मॉडल का यूज़ सिग्नल इंटीग्रिटी के लिए ही करते हैं। अब हम देखते हैं कि IBS मॉडल के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। हेडर एंड जनरल इन्फॉर्मेशन, हेडर एंड जनरल इन्फॉर्मेशन, अभी आप IBS मॉडल ओपन करोगे तो यहाँ पे बेसिक IBS मॉडल का वर्जन क्या है, फाइल नेम क्या है, डेट कब, किस डेट को बना है, फाइल का रिवीजन कब है, सोर्स क्या है, किस कंपनी से लिया है, यहाँ पे सब कुछ लिखा रहेगा। फिर मॉडल्स, कितने टाइप के मॉडल्स दिए हुए हैं, टिपिकल क्या है, स्लो क्या है, ये सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हो। कंपोनेंट एंड पिन इंफॉर्मेशन, कंपोनेंट एंड पिन इंफॉर्मेशन आपको मैंने बताया, आप कोई भी कंपोनेंट एक सेलेक्ट करो तो पिन का सिग्न, पिन पे क्या सिग्नल आना चाहिए और वो पिन किस लिए यूज हो रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे DQ लिखा हुआ है, तो ये DQ बस यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको ये DQ 341066 यूज़ करना है तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप इसको चेंज कर दो, और आपका IBS मॉडल सही काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ से क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे कुछ इरर इरर अगर आता है तो वो आपका IBS मॉडल काम नहीं कर रहा है। अगर वो इरर नहीं आ रहा है, इरर एट द लाइन 1328 इन द फाइल, सिंटेक्स इरर, कुछ सिंटेक्स इरर है तो उसको हमको सही करना पड़ेगा। ओके okay. तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। इसके बाद मुझे ये फाइल सेव करके फिर से रन करना पड़ता है, तो ओके okay. ओके okay. तो मैंने अभी जैसे का तैसा रहने दिया, फिर हमको जैसा पैड मॉडल हमको चाहिए हम यहाँ से उसको कॉपी करके वहाँ पे यूज कर सकते हैं, और रखने के बाद हम वहाँ पे उसका इरर चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई इरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके okay? तो उसके बाद कंपोनेंट एंड पिन इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें RLC के टर्म में दी रहती हैं। RLC के टर्म में मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कोई भी आप पैड मॉडल लेते हो तो वहाँ पे RLC की वैल्यू भी दी रहती है। तो स्टार्टिंग में जाते हैं, ये कहाँ
आप देखोगे ये RLC की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है ना, वो पिन का रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कितना है। ओके मॉडल डेटा में आपको मैंने बताया ये VREF, RREF, CREF, ये जब आप मॉडल डेटा में मतलब कि पिन पे जाते हैं, पिन के आप स्पेक पे जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देती है यहाँ पे कि इसका क्या वैल्यू है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, VREF, CREF, RREF, तो ये मॉडल है, पिन का मॉडल है, पिन का मॉडल जिस पे भी आप देखोगे ये आपको दिखाई देगा। अभी जैसे ये पिन का DQ मतलब कि DQ, अब DQS का मतलब डेटा स्ट्रॉप है, उसके बाद ये TDQS, तो यहाँ पे लिखा हुआ है TDQS, टर्मिनेटर मॉडल विथ 40 ओम, टर्मिनेटर मॉडल है ये, इनपुट के लिए कॉमन इनपुट मॉडल यूज कर सकते हैं, क्लॉक के लिए क्लॉक लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लॉक का मॉडल यूज कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें उसमें दी रहती हैं, ये हमको बस समझना पड़ेगा कि कैसे यूज करना है। ओके, कंक्लूजन क्या है, RBS मॉडल सिम एक्यूरेट, इजी टू जनरेट एंड कंपेटिबल विथ वाइड रेंज ऑफ सिमुलेशन प्लेटफॉर्म। कहने का मतलब है कि RBS मॉडल से हम एक्यूरेसी देख सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसा है, कितनी एक्यूरेसी है, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। अब एक टूल के अंदर मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा एक प्रोसेसर है और ये हमारा जो आपको दिखाया DDR3 वो है, इसके अंदर मैंने एक कोई भी नेट को सेलेक्ट कर लिया, मैंने सेलेक्ट कर लिया DDR DQ8। ओके, अब मैं इसको सिमुलेट करने के लिए जा रहा हूँ, तो एक को रिसीवर बनाना पड़ता है, एक को ड्राइवर बनाना पड़ता है, ये आप यहाँ से इनपुट और यहाँ से आउटपुट सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी सिमुलेट करने के लिए, सॉरी, सिमुलेट करने के लिए, ओके, सिमुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑसिलेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको जो फ्रीक्वेंसी पे सिमुलेट करना है वो फ्रीक्वेंसी डालिए यहाँ पे, स्टार्ट सिमुलेशन। तो ऐसा वेवफॉर्म आता है, कितने वोल्ट का सिग्नल है, 1.8 वोल्ट का है तो 1.8 रहेगा, यहाँ पे आप जाके यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं। अगर आपको आई डायग्राम देखना है तो आई डायग्राम, स्टार्ट सिमुलेशन, नो प्रोब आर इनेबल, प्रोब इनेबल नहीं है तो ये अभी नहीं आएगा। ओके, अभी प्रोब इनेबल कर दिया तो ये आ गया। अगर आपको इसे बड़ा करके देखना है आप देख सकते हो, ओके। तो मैं लास्ट में आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको कुछ भी और जानना है IBS मॉडल सिग्नल इंटीग्रिटी से रिलेटेड, इसके अलावा पावर इंटीग्रिटी, MIMC, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो मैं आप नेक्स्ट टॉपिक पे आपके लिए वो चीज़ें बना के रखा रहूँगा, वो चीज़ें पे आपको बताऊँगा कि कैसे करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको और कोई बताएगा नहीं और ये सिमुलेशन करने के लोग इंडिया में बहुत कम हैं, तो आपको इस पे इंफॉर्मेशन अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, तो मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। अभी के लिए थैंक यू।